Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the question 7. Find the value of lambda for the pair of equation lambda x plus y minus 2 lambda equal to 0 and x plus lambda y minus 1 is equal to 0. First, for no solution, second, infinitely many solution and third, unique solution. यहाँ आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है जब आपके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस यानी नो सॉल्यूशन पर क्या होगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन अगर हो इन इक्वेशन के तो क्या होगी और यूनिक सॉल्यूशन पर क्या होगी। सी किस तरह से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन इक्वेशंस है मैं यहाँ पर राइट डाउन कर लेता हूँ, दीज आर द गिवन इक्वेशन। मैंने मार्क कर देता हूँ इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, और वन एंड टू मार्क कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन कंडीशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड मैनी सॉल्यूशन की। उसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू की वैल्यू निकालिए। सो हियर इफ आई कैन राइट, आई विल राइट ए वन वैल्यू इज लैम्डा, ए टू वैल्यू इज सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 1, सिमिलरली बी वन वाई का कोफिशिएंट फर्स्ट में 1 एंड बी टू वाई का कोफिशिएंट सेकेंड में लैम्डा एंड सी वन सी टू यहाँ पे कॉन्स्टेंट है माइनस 2 लैम्डा एंड सी टू माइनस लैम्डा। Now, first of all, when first condition हमारी क्या है, first condition है no solution की। So, for no solution के लिए क्या होता है, for no solution equation student a1 upon a2 equal होता है b1 upon b2 के but not equal to c1 upon c2, ये आपका होता है। So, therefore lambda upon 1 is equal to 1 upon lambda is not equal to minus 2 lambda upon minus 1, ये आपका होगा। Now that is equal to, this implies that lambda is upon 1 is equal to 1 upon lambda, और जब आप cross multiply कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, lambda square is equal to 1, that is lambda square is equal to 1 है, यानी कि 1 का square मैं लिख सकता हूँ, तो lambda is equal to क्या हो जाएगा, plus minus 1, since when m square is equal to n square, और n constant हो, m variable हो, तो m बराबर क्या होता है, m plus minus n होता है स्टूडेंट, ये कंडीशन आप याद रखेंगे। क्यों, क्योंकि माइनस एन का स्क्वायर करेंगे तो भी m आएगा, प्लस n का स्क्वायर करेंगे तो भी n आएगा। जैसे 1 का स्क्वायर करूं मैं तो भी 1 आएगा, लैम्डा स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर करूंगा तो भी 1 आएगा, तो यहाँ लैम्डा की ये वैल्यू आ गई। ऑल्सो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ लास्ट के दो ये दो बराबर रखूं तो क्या आएगा, 1 बाई लैम्डा ऑल्सो 1 बाई लैम्डा is equal to minus 2 lambda upon minus 1, that is cancel out. So, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, this is lambda square, यहाँ पे कितना आ रहा है, lambda square is equal to 1 by 2 आएगा, and this is lambda is equal to root 1 by 2 आ जाएगा आपका, this is, so lambda is not equal to, क्योंकि not equal है, तो lambda is not equal to 1 by 2. अब second के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, second में हमारा क्या था, infinitely many solution, so for many solution, मैनी सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट क्या आएगा, मैनी सॉल्यूशन के लिए वी नो दैट ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। अब ए वन अपॉन ए टू कितना, ए वन अपॉन ए टू अभी हमने लिखा लैम्डा बाई वन बी वन अपॉन बी टू 1 बाई लैम्डा एंड सी वन अपॉन सी टू कितना है, माइनस 2 लैम्डा बाई माइनस 1। सिंपली मैं क्या लिख देता हूँ, माइनस 2 लैम्डा बाई माइनस 1, दिस इज माइनस से ये मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, काफी बड़ा माइनस हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट गया। सिंस व्हेन लैम्डा अपॉन 1 एंड 1 अपॉन लैम्डा जब बराबर होंगे, लैम्डा अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, अभी हमने इसको लिखा, इस केस में लैम्डा क्या आ रहा है, प्लस माइनस 1। और जब स्टूडेंट मैं क्या लिखूंगा यहां पर, ऑल्सो मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा बाय 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय 1, ये अगर मैं लिखता हूं तो यहां लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और जो क्वेश्चन आएगी इनकंसिस्टेंट होगी। मैं यहां पे क्या करता हूं, नेक्स्ट दिस इज 1 बाय लैम्डा एंड 2 लैम्डा बाय 1, यहां मैं सॉल्व करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2 एंड लैम्डा इज इक्वल टू रूट 1 बाय 2, दैट इज 1 बाय रूट 2, ये आपकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब हम थर्ड केस की तरफ चलते हैं, तो थर्ड केस में क्या आता है, थर्ड केस में स्टूडेंट जो कि यूनिक सॉल्यूशन का है, यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन में a1 upon e2 is not equal to b1 upon b2,
that is lambda by 1 is equal not equal to 1 by lambda, and this will imply that lambda square is not equal to 1 square, and further we can write lambda is not equal to plus minus 1. तो ये तीनों केसेस में हमने डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा की वैल्यू देखी, जैसे यहाँ लैम्डा की वैल्यू ये आई है।